राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक वो सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसको पाने के लिए, जिसकी मिट्टी में मिल जाने के लिए, जिसकी रज की महिमा अपरंपार है। आज मैं आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ कि श्रीधाम वृंदावन में मात्र 3 महीने के अंदर कैसे मेरा आशियाना मुझे भी हरि जी ने दे दिया। लोगों को सालों साल लग जाते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में उनको आशियाना मिल जाए, बिहारी जी बुलाते भी नहीं हैं, और मुझे 3 महीने के अंदर बिहारी जी ने परमानेंट आशियाना दे दिया। वहाँ पे एक छोटा सा मैं ये कह सकती हूँ आपका अपना घर, ठाकुर जी का अपना घर एक उन्होंने बना दिया, जिसमें मेरे को छत दे दी है, और मैं इतना कर सकी कि मैंने सेवार्थ भी वहाँ पे बना दिया। अब ऐसा नहीं है कि मैंने लोगों से पैसे लिए हों, किसी प्रकार का कोई चंदा लिया हो, 1 रुपया भी वहाँ पे किसी का चंदा नहीं लगा है। और मैं चाहती हूँ जितना मेरे में सामर्थ्य है, जितना मेरे पिताजी में सामर्थ्य था, उन्होंने ये वो किया और हम उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। पूरी स्टोरी मैं आज आपको बताऊंगी कि लोगों को बिहारी जी 20-20, 30-30 साल हो जाते हैं, श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी बुलाते भी नहीं हैं, और मुझ जैसी अभागन को, मुझ जैसे भक्त को मैं कैसे कहूँ उनकी महिमा। इतनी इमोशनल हो जाऊंगी ना मैं उनकी महिमा बताते हुए भी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मात्र 3 महीने के अंदर, वृंदावन गए 3 महीने हुए थे कि उन्होंने मुझे मेरा खुद का आशियाना दे दिया। 30 साल तक मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं हर महीने बिहारी जी गई हूँ, 1 साल की उम्र से लेकर 30 साल तक की उम्र तक मैंने मात्र और मात्र बिहारी जी के 1 बार दर्शन करे थे। मैं अपनी जिंदगी की सच्चाई बता रही हूँ आपको, 1 बार बिहारी जी के दर्शन करे थे। वो भी इतने थके हुए थे हम लोग, कोई पड़ोस में से बस गई थी तो उसमें बस में गए थे, और बस में जब जाते हैं तो फिर ऐसे ही दर्शन हो पाते हैं। इतने थके हुए थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि गोवर्धन की परिक्रमा करके गए थे, तो इतने थके हुए थे समझ में नहीं आया कि कौन से बिहारी जी हैं, क्या है, क्या हिसाब किताब है, कुछ भी नहीं समझ में आया। अचानक से मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आए, ठीक है। दिल्ली में मैं आराम से जॉब कर रही थी, कुछ ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, अगर आप कभी जानना चाहोगे कि कैसी परिस्थितियाँ थी कि मैं दिल्ली में पढ़ने वाली लड़की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई करी है। आप ये जो पीछे मेडल्स ट्रॉफियाँ देख रहे हैं, ये मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिले थे, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तो दिल्ली में जो लड़की पढ़ी लिखी, अचानक वो श्रीधाम वृंदावन चली जाती है, बिहारी जी उसको अपने पास बुला लेते हैं, और नॉन स्टॉप मैं बिहार, 3 साल अचानक ही मेरी जिंदगी में ऐसा बदलाव आया कि मैं 3 साल लगातार, जब मेरे पीरियड्स होते थे जो महिलाओं की प्रॉब्लम होती है उसको छोड़कर, बाकी 3 साल मैं लगातार बिहारी जी के दरवाजे पे गई हूँ। मैं श्रीधाम वृंदावन गई थी भागवत सीखने, भागवत का अध्ययन करने। थोड़ा सा मुझे टफ पड़ रहा था भागवत का अध्ययन, क्योंकि उसमें संस्कृत के भी कुछ वर्डिंग थे, संस्कृत के भी कुछ श्लोक थे, मैं रामचरितमानस भी सीख रही थी, मैं श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन कर रही थी, अपने गुरुजी से श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रही थी और रामचरितमानस सीख रही थी। तो मेरे को थोड़ी सी असुविधाएं महसूस हो रही थी। वहाँ पे मैंने अपना एक छोटा सा रेंट पे कमरा देख लिया था, वहाँ पे मैं उस रेंट पे कमरे में रह रही थी। आराम से मैं सुबह कथा सीखने जाती थी और फिर शाम को भी कथा सीखने जाती थी, तो 2 टाइम मैं कथा सीखने जाती थी। मैंने थोड़ा सा, मेरे को असुविधा महसूस हो रही थी क्योंकि पूरा देश बदल गया था, मैं दिल्ली की थी, सीधा से मैं श्रीधाम वृंदावन में आ गई थी, स्पोर्ट्स में थी रही, मैं योगा टीचर में रही हूँ, मैंने डॉक्टरेट करी है नेचुरोपैथी एंड योग में, तो हमेशा लोअर टी शर्ट पहनने वाली, लोअर और टी शर्ट पहनने वाली लड़की अचानक से सूट में आ गई थी, क्योंकि जहाँ पे वो भागवत का अध्ययन कराते हैं वहाँ पे जीन्स टॉप बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है, लोअर और टी शर्ट भी अलाउ नहीं होते हैं, आपको सूट पहनना पड़ेगा, चुन्नी ओढ़नी पड़ेगी, आपको तिलक बकायदा लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे कि स्कूल में आजकल लोग बच्चों को बिना नहाए स्कूल में भेज देते हैं, आपको बकायदा 7 बजे अगर वहां पे उपस्थित होना है तो नहा के पूजा अर्चना वंदना करके तिलक लगा के ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने भिन्न भिन्न जगहों से भागवत सीखी, 1 जगह से 2 जगह से 3-4 जगह से मैंने भागवत सीखी, तो हर किसी के अपने रूल्स रेगुलेशन थोड़े थोड़े डिफरेंट थे, लेकिन सूट पहनना हर किसी में अनिवार्य था, किसी किसी में यहाँ तक सिर पे से ढक के भागवत का अध्ययन करना अनिवार्य था, किसी में केवल चुन्नी आप गले में डाल सकते थे। तो मैंने बहुत भिन्न जगहों पर भागवत का अध्ययन किया। तो एक बार एक गुरुजी ने मुझसे, मेरे को जब थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही थी भागवत का अध्ययन करने में, तो एक गुरुजी ने मुझसे बोला कि श्रीधाम वृंदावन के जो राजा है ना वो बिहारी जी हैं, आप ऐसा करो एक बार बिहारी जी जाया करो, रोज
मैंने कहा गुरुजी मैं बिहारी जी क्यों जाऊँ, मैं थोड़ा सा बिहारी जी से आउटसाइड रहती थी, मतलब यहाँ पे मैंने कमरा किराए पे ले रखा था, वो यहाँ पे मैंने कमरा रेंट पे ले रखा था, तो वहाँ पे रिक्शा वगैरह की, बैटरी रिक्शा वगैरह की सुविधाएं वहाँ पे नहीं थी और स्कूटी मेरे को चलानी नहीं आती थी, तो पैदल ही जाना पड़ता था श्रीधाम बिहारी जी के पास तक, तो एटलीस्ट पैदल ही जाना पड़ता था। तो बिहारी जी 2.5 से 3 किलोमीटर वहाँ से पड़ते थे, यहाँ पे मैंने कमरा रेंट पे ले रखा था वहाँ से। तो मैंने कहा गुरुजी मैं सुबह सुबह 5-6 बजे उठ के 6:30 बजे तो भागवत सीखने आती हूँ, उसके बाद फिर मैं 12 बजे यहाँ से जाती हूँ, और उसके बाद फिर 2 बजे फिर मैं रामचरितमानस सीखने यहाँ पे आती हूँ गुरुजी, और फिर मैं यहाँ पे 5-6 बजे यहाँ से जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं भोजन वगैरह बनाती हूँ खाती हूँ। तो मेरे में इतना अब सामर्थ्य नहीं रहता कि मैं उसके बाद बिहारी जी जाऊँ 2.5 या 3 किलोमीटर चल के, और 2.5 या 3 किलोमीटर चल के फिर बिहारी जी से घर वापस आऊँ। उसके बाद मुझे अपना अध्ययन भी करना होता है, क्योंकि अगले दिन फिर हमें वो चीज़ें पढ़ानी पड़ती हैं, गुरुजी को सुनाने पड़ते हैं, श्लोक सुनाने पड़ते हैं। तो गुरुजी ने कहा था नहीं 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 तुम आप समय निकाल कर नित्य प्रतिदिन बिहारी जी तो जाओ, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन के जो राजा है ना वो बिहारी जी है, आप बिहारी जी जरूर जाओ, आप देखोगे आपकी जिंदगी में एकदम चमत्कारी रिजल्ट आएंगे। अब भाई जब गुरुजी ने इतना बोला तो गुरुजी की जो बात थी वो तो जरूर माननी थी, गुरुजी की आज्ञा सर्वोपरि होती है वहां पे, तो हम लोगों ने गुरुजी की आज्ञा मानी। हम लोगों ने क्या, मैंने गुरुजी की पर्सनली आज्ञा मानी, मैंने 2-3 वहाँ पे और भी लड़कियाँ थी, मैंने उनसे बात की, मैं कहा क्या बिहारी जी चलोगे, तो किसी ने भी मेरे को सेटिस्फाई जवाब नहीं दिया, लोग 1 दिन गए 2 दिन गए, लेकिन मेरे को तो था कि भैया मेरे को तो जाना है। तो एक माला झोली होती थी उस टाइम पे, क्या अभी भी माला झोली वो है मेरे पास, उसमें मेरे पास एक मंत्र है, सभी के पास अपना अपना एक मंत्र होता है, जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है वो कौन से मंत्र का जाप कर सकते हैं, अगर आप ये भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मेरे पास एक मंत्र था, माला झोली में लेती थी और मंत्र पढ़ते 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 माला जपते जपते बिहारी जी जाती थी, बिहारी जी के दर्शन करती थी। उससे 10 कदम ही दूर राधा वल्लभ जी का मंदिर था, मैं राधा वल्लभ जी जाती थी, उनके भी दर्शन करती थी, और फिर माला जपते 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 मैं वापस आ जाती थी। तो ये मैंने अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिया था, ठीक है। और ये मेरे गुरुजी ने जो बात बताई वो एकदम सत्य घटना थी कि तुम जाके देखो तुम्हें मैजिकल रिजल्ट मिलेगा। धीरे धीरे मैं भागवत सीखने में बहुत ही अत्यधिक मन लगने लग गया, बहुत शीघ्र अति शीघ्र मुझे याद होने लग गया। अच्छा मैं जाके कुछ मांगती नहीं थी, मैं श्रीधाम जब मैं जाती थी बिहारी जी तो मैंने गेट नंबर 4 से एंट्री करने के बाद एक कोना मैंने पकड़ रखा था, मतलब जैसे कि बिहारी जी के मंदिर में बहुत सारे खंभे लगे हुए हैं तो एक खंभे का कोना मैंने पकड़ रखा था, मैं उस खंभे के कोने के सहारे खड़ी होती थी और कम से कम 5 से 10 मिनट तो मैक्सिमम उस खंभे के सहारे खड़ी रहती थी। यहां से सीढ़ियां से नीचे उतरते हैं, सीढ़ी से ऊपर चढ़कर ही एक कोना मैंने पकड़ रखा था, वहां से बिहारी जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन होते हैं, बहुत ही ज्यादा अद्भुत दर्शन। तो मैं उस कोने में खंभे पे ऐसा टेक कर अपना सिर खड़ी हो जाती थी वहां पे, और नॉन स्टॉप में बिहारी जी की आंखों में देखती रहती थी। मैं आपको बता नहीं सकती, ना तो मैं कुछ मांगती थी, ना ही मैंने मेरे मुंह से कभी कुछ निकला कि मेरे को ये दे दो बिहारी जी, वो दे दो। हाँ मेरे मुंह से इतना निकलता था कैसे हो आप, ठीक हो, अच्छे हो, मैं आ गई आपसे मिलने, ऐसी मेरी वार्तालाप बिहारी जी से होती थी और मेरे नेत्रों से आंसू बहते थे। अब मैं आपको ये भी मैं बता चुकी हूँ कि उससे पहले बिहारी जी से मिलने का मेरे को कोई पर्सनल अनुभव नहीं रहा था, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा भक्ति का माहौल रहा हो। हाँ भक्ति का माहौल था, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में थी, लेकिन मेरा ऐसा कोई पर्सनल भक्ति भाव का माहौल नहीं था। लेकिन मैं बिहार जी के मंदिर जाने लग गई, अचानक से मेरे दिल में ये ख्याल आया, एक हफ्ता जाने के बाद नॉन स्टॉप मैं जब वृंदावन में गई, वृंदावन में मैं सेटल हुए मुझे एक हफ्ता हुआ था, और तीसरे दिन मेरे गुरुजी ने मुझसे ये बोल दिया था कि बिहारी जी जाओ, तो तीसरे दिन मैं बिहारी जी जाना मैंने प्रारंभ कर दिया था। और बिहारी जी जाते हुए मुझे एक हफ्ता हुआ था ठाकुर जी के पास जाते हुए। अच्छा मैंने आपसे बोला ना मैं कभी कुछ मांगती नहीं थी, तो मैं कुछ मांगती नहीं थी, केवल खंभे के सहारे खड़े होकर बिहारी जी को देखती रहती थी, उनके नेत्रों को देखती रहती थी, पर्दे लग जाते थे, हट जाते थे, लग जाते थे, हट जाते थे, लेकिन मेरी निगाहें केवल उन्हीं पर टिकी रहती थी, बिहारी जी को। अभी भी देखो मैं याद कर रही हूँ ना, मेरे वही छवि आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब वो अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा नहीं कर सकती हूँ। इमोशनल हो गई मैं, वो अनुभव कि मैं खंभे के पास खड़े होके कि
और केवल बिहारी जी को देखती थी, नॉन स्टॉप केवल उनको देखती थी, ना मेरे मुंह से कोई शब्द निकलता था, ना मैं कुछ उनसे मांग पाती थी, केवल और केवल मैं उनसे देखती रहती थी, केवल और केवल देखती रहती थी। एक हफ्ता जब हुआ, मैं यहाँ पे भागवत सीख रही थी, वहां पे गुरुजी ने एक दिन बोला, ये सामने वाला जो मकान नहीं है ये पता कितने का बिक रहा है, ये इतने लाख का बिक रहा है। तो मैंने कहा यार यहाँ का तो रेट इतना हाई भी नहीं है, ये तो मैं ले सकती हूँ। उससे पहले मेरे पिताजी ने मुझसे ये बोला हुआ था कि हम आपकी शादी में आपको एक प्लॉट जरूर देंगे, चाहे फ्लैट दें, चाहे वो दिल्ली NCR में देने की सोच रहे थे, क्योंकि हम लोग दिल्ली NCR में ही सेटल थे। तो मेरे पिताजी ने बोला था कि दिल्ली NCR में हम आपको एक फ्लैट जरूर देंगे आपकी शादी में, वो हमारी तरफ से आपको गिफ्ट होगा। तो मेरे मन में ये ख्याल आया, तो क्यों ना मेरे पिताजी मेरे को श्रीधाम वृंदावन में एक छोटा सा आसियाना दिला दें। दिल्ली में फ्लैट्स लेके मेरे को क्या करना है भैया, ये स्वर्ग है धरती का, ये धाम है बिहारी जी का, ये बांसुरी पे टिका हुआ है श्रीधाम वृंदावन। अगर मेरे पिताजी मुझे यहाँ पर आसियाना दिला देंगे तो ये समझ लो मेरा तो जीवन ही सफल हो जाएगा ना। मेरे मन में अचानक से एक ख्याल आया और मैं बिहारी जी गई उस दिन, मेरे को अभी भी याद है, मैं उस दिन बिहारी जी गई और मैं बिहारी जी को देख रही थी, देखते देखते मैंने उनसे ये बोला, मैं गुलाबी रंग के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे उस दिन बिहारी जी ने, मैं सच्ची में बहुत इमोशनल हो रही हूँ ये स्टोरी बताते हुए भी, कि लोग कहते हैं कि हमने 5 साल स्ट्रगल किया है, हम 5 साल नॉन स्टॉप बिहारी जी के दरवाजे पे गए हैं, तब जाकर हमें बिहारी जी ने अपना आसियाना दिया है। मेरे को बता भी नहीं पा रही हूँ, मैं वीडियो बना भी नहीं पा रही हूँ, मैं बताते हुए भी इतना इमोशनल हो रही हूँ कि अभी भी मेरे को वो छवि याद आ रही है। अच्छा, मैं मैक्सिमम सफ़ेद ही कपड़े पहनती थी उस टाइम पे, सफ़ेद कपड़े मैं पहनती थी। ऐसा नहीं है कि मेरे को साधु संत बनना था, ऐसा मेरे मन में कभी भी कोई संशय नहीं आया, ये बात मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर थी कि मेरे को गृहस्थ जीवन में ही प्रवेश करना है, मेरे को गृहस्थ जीवन में ही जाना है। उस दिन जब मैं बिहारी जी के पास गई, उन्होंने पिंक कलर के वस्त्र धारण करे हुए थे, मैंने बिहारी जी से बोला, मैंने कहा पता नहीं आपने मेरे मन में अचानक से ये बात क्यों लेके आए हो कि क्या पता मुझे मेरे पिताजी यहाँ पे एक छोटा सा आसियाना दिला दें और मुझे भी आप के धाम में वास मिल जाए। इतना मैंने उनसे बोला ही था, मैं बिहारी जी के मंदिर से निकली, मेरे पिताजी का मेरे पास फ़ोन आया, तो मैंने अपने पापा से बोला कि यहाँ पे ना ज़मीन बड़ी सस्ती है, तो आप क्या यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा घर दिला सकते हो। मेरे पिताजी ने भी मजाक में बोल दिया था, हाँ ठीक है, पहले तुम भागवत सीख लो, उसके बाद देखेंगे आगे की बात, आगे देखेंगे, तुम सीख लो, मेरे पिताजी का वो नटखट अंदाज। लेकिन न जाने क्यों मन में एक बेचैनी सी हो गई थी तभी से कि नहीं अब मेरे को तो यहीं पर रहना है। अच्छा, मैंने कभी भी अपने पिताजी को बिल्कुल भी जिद नहीं करी, जैसे जिद पर अटक जाते हैं। मैं देखो ये स्टोरी बताते हुए भी मेरे को रोना आ रहा है, मैंने बिल्कुल भी जिद नहीं करी अपने पिताजी से कि मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए। हाँ, मैंने खोजबीन चालू कर दी थी, मैंने एक दो घर देखे, एक दो घर फाइंड आउट करे, तो एक मुझे छोटा सा 50 गज का ही मेरे को एक घर समझ में आया, जो कि अंकल दिल्ली में ही रहते थे और हमारे घर से 15 किलोमीटर आगे वो रहते थे। उनका नंबर मैंने अरेंज किया, तो कैलाश नगर में वो घर था, हमने वो घर बातचीत करी हमने उन अंकल से, और फाइनली हमने बना बनाया नहीं लिया, जबकि बना बनाया उसे सस्ता मिल रहा था, हमने बिना बना बनाया लिया, क्योंकि हमने जो सोच रखा था हम वैसे ही बनवाते। सब कुछ बिहारी जी की मर्जी से होता जा रहा था, होता जा रहा था। 1.5 से 2 महीने तब बीते जब हमने ज़मीन का अपना उद्घाटन करा लिया, 2 से 3 महीने तब बीते जब ज़मीन का हमारा उद्घाटन हो गया
और मकान बनना चालू हो गया। लोगों के मकान बनने में कई कई साल लग जाते हैं, कई कई वो हो जाती है। मेरा मकान इतनी तीव्रता से बना कि 3.5 महीने 4 महीने में हमारा 2 मंजिल मकान बन गया। उसमें दो नीचे 2 रूम और ऊपर 2 रूम, नीचे 2 वॉशरूम, ऊपर 1 वॉशरूम, नीचे 1 किचन, ऊपर 1 किचन और 1 मंदिर, इतना बन के श्रीधाम वृंदावन में तैयार हो गया। मैं पहुंच गई श्रीधाम वृंदावन में, मेरे को मेरा आशियाना बाके बिहारी जी ने दे दिया। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि बिहारी जी की इतनी बड़ी कृपा मेरे पास होगी, इतनी बड़ी वो कृपा मेरे पे कर देंगे, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। हाँ, मेरे पिताजी महीने में 1 बार आते थे देखने कि घर में प्रोसीजर क्या चल रहा है, कितना हो रहा है। और पूरा घर बिहारी जी की कृपा से मैंने बनवा डाला। मतलब फाइनेंशियल मेरे पापा ने मेरे को मदद करी थी, फिजिकली मैंने बड़ी मेहनत करी और पूरा घर बन गया बिहारी जी की कृपा से। सब कुछ इतना उत्तम हो गया और आज की डेट में नीचे हमने 2 सेवार्थ बनाया, 2 कमरे हैं जो सेवार्थ के रूप में हमने रखे हैं। उसमें अटैच लेटरिन बाथरूम है और अटैच लेटरिन बाथरूम, जब हमने उसका उद्घाटन किया था तब हमने वहाँ पे 10 गद्दे ला के रख दिए थे कि भैया कोई भी आएगा तो हम वहाँ पे नीचे बेड नहीं बनवाएंगे, 10 गद्दे सब अपने अपने एक एक गद्दा लें और वहीं पर आराम से रहें। और बिहारी जी की कृपा देखिए, वहाँ पे 10-10, 20-20 लोग भी उन दोनों कमरों में रहे हैं। उड़ीसा से आकर एक बार पूरा टूर 20 लोग उसमें रहे थे, एक बार दिल्ली से आके रहे थे। मतलब महीने में एक दो बार कोई ना कोई वहाँ पे जरूर और ज़रूर जाता रहता है। महीने में 2-3 लोग जरूर और ज़रूर जाते रहते हैं। हम उनसे रहने का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, हम उनसे बिजली का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, हम उनसे वहाँ पे पानी का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। जितना हमसे हो पड़ता है हम उतना ही करते हैं। मैंने आपसे बोला ना कि हमने कोई चंदा लेकर कुछ नहीं ऐसा किया। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर थे तो उन्होंने ही पूरा उसमें पैसा लगाया था और हम उनसे किसी भी लोगों से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। शादी के मेरी शादी हो गई, शादी के बाद मैं यहाँ पर सेटल हो गई और अभी भी बिजली का बिल मैं स्वतः ही भरती हूँ। हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार का। वहाँ पे रहने की व्यवस्था फ्री हमने लोगों ने कर रखी है और जितना हमसे होता है हम उन लोगों की हेल्प ही करते हैं। और ये बिहारी जी ने जब हमें इतना दिया है कि हम कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए, तो बकायदा हम कर रहे हैं। और इसके सेकंड पार्ट भी मैं ज़रूर बनाऊंगी कि मैं कैसे नॉन स्टॉप 3 साल, मैं 3 साल बिहारी जी के मंदिर में गई हूँ, 3 साल मैं बिहारी जी के मंदिर में गई हूँ। और सच्ची में बहुत इमोशनल हो रही हूँ, नहीं तो आज मैं पूरी स्टोरी बताती। और बिहारी जी के मंदिर में जाके मैं क्या मांगती थी उनसे, रोज़ क्यों जाती थी मैं, जाके मैं क्या मांगती थी, कैसा मेरा अनुभव होता था, ये सब आप लोगों के साथ साझा करूंगी। इसका पार्ट 2 मैं ज़रूर बनाऊंगी। मेरे साथ जो जो वृंदावन में घटनाएं घटित हुई हैं मैं बकायदा आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मैं वहाँ पे 3-3.5 साल रही, मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, मेरे साथ क्या क्या अनुभव साझा जो रहा वो मैं आप लोगों को बताने की ज़रूर कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।